और खीरा से तैयार बड़ी और पोई का सब्जी, इसे कहते हैं बिहार में खिरोरी के नाम से जाना जाता है और इसे पोई कहा जाता है। इसका हम सब्जी बना रहे हैं, आप सामग्री से परिचय करा देते हैं। ये पोई है, 5 फोरन है, तेज पत्ता है, 2 इलायची है, लहसुन है कटा हुआ, और ये कटा हुआ एक प्याज है, और 2 कटा हुआ टमाटर है, और ये बर्री है, और ये होममेड मसाला है। सबसे पहले हम तेल लिए हैं और ये खीरे और उड़द से तैयार बड़ी को इसमें भून लेंगे, इसमें ब्राउन होने तक इसे चलाकर भून लेंगे। ये उड़द और खीरे से तैयार बड़ी है जो कि घर में तैयार किया जाता है, ये बिहार का स्पेशल डिश है। इसे अगर आप बड़ी को तैयार करने नहीं जानते हैं तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको इसका बनाने का विधि का वीडियो बनाकर डाल देंगे। अक्सर लगभग सभी घरों में ये बड़ी तैयार होता है, फिर भी यदि आपको पता नहीं है तो आप कमेंट करें, हम इसका वीडियो डाल देंगे। अब ये भुना गया है, देखिए लाल हो गया है, अब इसे निकाल कर अलग हम रख लेंगे। अब इसे निकाल कर अलग हम इस तरह रख लेते हैं। अब हम 5 फोरन और लहसुन और तेज पत्ता को डाल देते हैं इसमें, और इसको चटकने देंगे। उसके बाद प्याज को भूनेंगे। अब इसमें कटा हुआ टमाटर को डालेंगे और कटा हुआ टमाटर को गलने तक भूनेंगे। ये टमाटर जब तक गल नहीं जाता है तब तक इसे भूनेंगे। और इसमें गरम ये जो मसाला तैयार किया गया है होममेड, ये धनिया, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और मेथी और सरसों से तैयार किया गया ये होममेड मसाला है, इसे डाल देंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे कि टमाटर गल जाए। अब ये पूरी तरह भुना गया है, अब इसमें पोई डाल देंगे। ये पोई फुनगी का है, ये इसमें सन नहीं हुआ है। जब भी पोई देना है तो ऊपर का पोर्शन को लेना है और पत्ती को ज़्यादा नहीं लेना है, डंठल को लेना है। और ये डंठल देखिए एकदम मुलायम है, इसमें सन नहीं हुआ है, ऐसे तोड़िए, ये सन नहीं है, एकदम मुलायम है। ये देखिए इस तरह से एकदम मुलायम है, ये ऊपर का ये है जिसमें सन हो जाता है वो वाला डंठल नहीं लेना है, बिना सन वाला डंठल को लेना है। और अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे और इसमें ये बड़ी को भी डाल देंगे और थोड़ी देर इसे भूनेंगे ताकि मिक्स हो जाए। और इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, इतना नमक ठीक है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। सब्जी बनाने में सबसे अहम बात होता है नमक डालना। नमक यदि ज़्यादा या कम रहेगा तो फिर आपका सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए नमक अंदाज से ही डालना चाहिए। थोड़ी देर अब इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए मसाला। अब ये पूरी तरह से भुना गया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएगा। 1 गिलास पानी डाल दिए हम, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसमें सारा चीज़ पक चुका है इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा और पानी डालना है। इसमें थोड़ा रस भी रखना है ताकि खाने में रसेदार ज़्यादा अच्छा ये लगता है। और इसे अब हम ढक्कन से ढक देंगे, इसे ढक्कन से ढक देंगे और 10 मिनट पकने देंगे। अब ये देखिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे देसी घी, 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। घर में तैयार किया हुआ घी बहुत जल्द हमारे चैनल पर आ रहा है, घर में घी कैसे तैयार करें। अब यदि आप
तो दूध लेते हैं, तो उससे आप घर में ही घी, देसी घी तैयार कर सकते हैं काफी सुविधाजनक तरीका से। इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। अब इसमें घी मिलाकर मिला दिए और इस पर अब धनिया पत्ती का छिड़काव कर देंगे। ये धनिया पत्ती का छिड़काव कर दिए इस पर। अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया हमारा। ये बिहार बिहार स्पेशल बड़ी पोई का सब्जी है, इसे खाइए, एक नंबर लगेगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी।